Good afternoon, students. In the previous class, we have seen the various demographic indicators and we compared these three countries, India, China, and Pakistan. We observed the features related to the demography. Now, today, we are going to discuss the gross domestic product and the sectoral contribution to the GDP. So, gross domestic product, the meaning of gross domestic product is known to you. In macroeconomics, we have discussed about the GDP. And GDP shows the growth of the economy, as we know, because national income is calculated based on GDP. GDP is one of the, you know, basis for the comparison of the development of the different countries. So now let us see the growth of GDP of these countries, that is India, China, and Pakistan, and we'll see after that the different sectoral contribution to the GDP of these countries. As we know that China has the second largest GDP, that is based on PPP. PPP means purchasing power parity. So China has the second largest GDP of $19.8 trillion. China jo hai aapko dusra sabse bada GDP jo hai is desh mein hai, America ke baad USA jo hai number 1 pe hai total GDP mein. और ये परचेजिंग पावर जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, यानी कि जो खरीदने का जो क्षमता होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उस बेसिस पे तो जीडीपी जो है आपको चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट है. और कितना बड़ा है इसका जीडीपी, कितना जो है $19.8 trillion. ये ट्रिलियन की बात हो रही है. चलो ठीक है, ट्रिलियन का मतलब क्या होता है आगे आपको हम समझा रहे हैं. मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब जो है आपको जानना जरूरी है एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स. ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखेंगे. नाउ इंडिया जी डी पी इज $8.07 trillion. नाउ चाइना का जो जी डी पी है वो $19.8 trillion है, याद रखना ये डॉलर के टर्म्स में है. यदि रुपीज के टर्म्स में देखेंगे तो और ये बड़ा होगा, क्योंकि मान लीजिए 73 rupees या 70 के आसपास में जो है, $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ के आसपास में है, तो इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ट्रिलियन हो जाएगा. तो चलिए, चूंकि डॉलर जो है मोस्ट स्टेबल करेंसी है, इसीलिए इसको जो है डॉलर के टर्म्स में मेजर किया जाता है. नाउ इंडियाज़ जीडीपी इज $8.07 trillion. आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, या लगभग जो है आपको $11 trillion का डिफरेंस है चाइना एंड इंडिया के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. आप इसको बोल सकते हैं नेशनल इनकम का जो डिफरेंस इतना बड़ा है. एंड पाकिस्तान जीडीपी इज $0.94 trillion. एक ट्रिलियन भी नहीं है पाकिस्तान का जीडीपी. तो अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंडिया जो कितना टाइम्स पाकिस्तान का जीडीपी से बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा इसके पास में जो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या कितना ज़्यादा इसका इसके पास जो है इनकम आपको जनरेट होता है. तो फ्रॉम द वैल्यू इट्सेल्फ यू कैन कंपेयर द यू नो ग्रोथ ऑफ द कंट्री, द रिचनेस ऑफ द कंट्री. आप इस वैल्यू से ही कंपेयर कर सकते हैं तीनों कंट्रीज कौन किस पोजिशन पे है. पाकिस्तान जीडीपी इज रफली अबाउट 12% ऑफ इंडिया जीडीपी. इंडिया का जीडीपी का 12% जो है पाकिस्तान का जीडीपी है, व्हाइल इंडिया जीडीपी इज अबाउट 40% ऑफ चाइना जीडीपी. और चाइना का जितना जीडीपी है उसका 40% के बराबर इंडिया का है, ठीक है. When many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%. Yes, this is true. Now, this is the time of 1980 to 1990s. 1980 या 90 के आसपास में है जब बहुत सारे कंट्रीज, इवन डेवलप्ड कंट्रीज स्ट्रगल कर रहा था 5% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लेकर के. आपको मालूम है कि इंडिया का जो है 1980 से 87 तक, यानी कि जो आपको 7 years जो था, 7 से 8 years जो था, उसमें ग्रोथ रेट आपको 5 से नीचे था. और लास्ट का जो 2-3 years था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 5 से ऊपर, इसीलिए ओवरऑल जो है 5.6 आपका था. तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेर स्ट्रगलिंग
टू गेट इवन 5% ऑफ ग्रोथ रेट, लेकिन चाइना वाज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ फॉर वन डिकेड. नाउ दिस इज रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ द चाइना. ये जो डबल डिजिट ग्रोथ हुआ और लगभग वन डिकेड के लिए 1980 से 90 तक, ये 10 साल जो है, ये 10% से ऊपर इसका ग्रोथ रेट था. लगभग सभी कंट्रीज़ का डेवलप, यहाँ की जो डेवलप्ड कंट्रीज था उसका भी 5% के आसपास में था आपका, और चाइना का कितना परसेंट था, 10% के आसपास में था. ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आपको गैप ले आया इंडिया एंड चाइना के बीच में. अब यहाँ पे चूंकि ट्रिलियन का मतलब आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे ट्रिलियन देखिए तो 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10^12, यानी कि एक के ऊपर में आप 12 जीरो दे दीजिए वो हो जाएगा 1 ट्रिलियन, ठीक है, जिसको हम लोग 1,00,000 करोड़ हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे आप देखिए छोटा सा इस पर ध्यान आपको देना है. यहाँ पे आपको याद रखना कि 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10^6. 1 मिलियन जब भी बात होता है तो इसका मतलब एक के ऊपर में 6 जीरो होता है, 6 जीरो आपको दे देना है, जिसको हम लोग 1,00,000 बोलते हैं. तो 1,00,000 इक्वल टू 1 मिलियन, या 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 1,00,000. और फिर 1 बिलियन कितना हो जाएगा, 10^9. आपको 3 बढ़ाते जाना है, 3 आपको ऐड करते जाना है. तो पहले क्या था, 10^6, उसमें 3 ऐड कर दिया तो 10^9 हो गया. फिर इसमें प्लस 3 कर दो तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10^12. तो 1 मिलियन इक्वल टू 10^6, 1 बिलियन इक्वल टू 10^9, 1 ट्रिलियन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ट्रिलियन होगा, 1 ट्रिलियन होगा 10^12, यानी कि 6 + 3 = 9 + 3 = 12. इस चीज को आपको याद रखना. इन 1980s पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया, चाइना हैव डबल डिजिट ग्रोथ रेट एंड इंडिया वाज एट द बॉटम. 1980 के आसपास में, यानी कि 1980-90 के यदि आप देखेंगे टाइम, वो 10 साल जो आप देखेंगे, तो उस समय इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो सबसे नीचे था, सबसे नीचे था इन कंपेरिजन टू दिस 3 कंट्रीज. ये 3 कंट्री की जब हम लोग बात करते हैं, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका था, चाइना का, वो 10 से ऊपर था ग्रोथ रेट उसका. उसके बाद था आपको पाकिस्तान जिसका 7 के आसपास में था, और इंडिया जो है सबसे नीचे था, 5 के आसपास में था. But in recent years, growth rate of China and Pakistan declined, but India met with moderate increase in growth rate. ये बहुत ही अच्छा खबर है आप इंडियंस के लिए. हालांकि रिसेंट में जो है GDP बहुत ही फॉल हुआ, निगेटिव में चला गया, आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि ये जो पेंडेमिक आया आपको कोरोना वायरस COVID-19 उसके चलते, तो इसमें होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया जो सफ़र कर रहा है, तो अभी इसको जो ये रिसेंट जो है आपको हुआ, ये घटना हुआ है, तो इससे जो है ये इट्स सेकेंड द GDP एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी कंट्रीज, इवन डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस, तो सफर हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं. तो इंडिया जो है आपको वन ऑफ द फास्टेस्ट आपको ग्रोइंग कंट्री आपको रिसेंट ईयर्स में अचीव किया. आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए 2015 का जब आप डेटा देखेंगे, तो उस समय जो है आपको इंडिया, ये तीनों कंट्रीज में इंडिया टॉप पे था, इंडिया जो है सबसे ऊपर में था ग्रोथ रेट में, फिर चाइना था और फिर पाकिस्तान था. तो जो 1980s में सबसे नीचे था इंडिया, वो 2015 में और रिसेंट ईयर्स में जो 5-10 ईयर्स आप देखेंगे, तो उसमें इंडिया ऊपर चला गया था ये तीनों कंट्रीज से ग्रोथ रेट में. तो ये आपको इसका अचीवमेंट हुआ. सम स्कॉलर्स पॉइंट्स रिफॉर्म्स प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एंड पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड एज द रीजन्स बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्यों कम गया, उसका जो मेन रीजन बहुत सारे स्कॉलर्स बोलता है कि जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ काफ़ी वहाँ पर स्लो हुआ, उसको जो है इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी टाइम लगा, और पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वहाँ का जो पोलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें इनस्टेबिलिटी आना, यानी कि अस्थिरता आना,
कोई भी जो है आपको सही ढंग से जो वहाँ पे आपको नहीं चलाया, गवर्नमेंट को सही ढंग से नहीं चलाया, जो है फुल टर्म्स जो है कोई वहाँ पे नहीं रहा, तो ये जो इनस्टेबिलिटी होता है उससे क्या होता है, इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है, क्योंकि वो लोग खुद उसमें उलझा हुआ रहता है। द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फॉरेन डेट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और जो सेकेंड जो आपको रीजन है पाकिस्तान का नीचे ग्रोथ रेट जाना, वो है आपको फॉरेन डेट, वो जो कर्ज के जाल में जो है आपको फंसते जा रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे जो आप न्यूज़ में भी आप सुने होंगे, बहुत सारे मैगजीन्स में भी आप पढ़े होंगे, जो रिपोर्ट स्कॉलर सब जो देता है उसमें आप देखे होंगे कि उसके ऊपर में जो बहुत ज़्यादा कर्ज है और चाइना जो है उसको कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चाइना वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है सेल्फ बेनिफिट्स के लिए, कुछ रोड्स इनिशिएटिव जो आप सुनेंगे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है वो आपको जो है चीन जो है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अरबियन सी में जो है अपना गुड्स एंड सर्विसेज को वो पहुंचाना चाह रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो चूंकि वहाँ पे शॉर्टेस्ट हो जाए, उसका जो पाथ है, जो चाइनीज का जो पाथ होगा वो आपको शॉर्टेस्ट हो जाएगा अफ्रीका का, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, या फिर जो कुछ कंट्रीज जो है आपको अरब कंट्रीज़ जो है उसमें जाने के लिए, तो इसीलिए जो है वो इन्वेस्ट किया सेल्फ बेनिफिट्स के लिए। लेकिन जो उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो खर्च हो रहा है वो पाकिस्तान को बियर करना पड़ रहा है, तो ये जो है आपको उसका चाल था। तो ये सब कुछ रीजन्स है, एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन दिस प्रोजेक्ट्स एंड मोर ऑन दिस ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी, जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ यू नो व्यू, फॉर अ ग्लिम्स जस्ट आई डिस्कस दिस। नाउ एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर चलिए एक डेटा आप देख लेते हैं GDP का ग्रोथ का, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान है। 1980s में आप देखिए इंडिया का 5.7 यहाँ दिखा रहा है, चाइना का 10.3 दिखा रहा है, पाकिस्तान का आपको 6.3 दिखा रहा है, यानी कि इंडिया जो है सबसे नीचे यहाँ पे। 2015-17 का भी डेटा दिखाया गया, उसमें इंडिया का 7.3 है सबसे ज़्यादा, चाइना का 6.8 मिडिल और पाकिस्तान का 5.3 सबसे नीचे। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है आपको रिवर्स हुआ। ओके, नाउ सी नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू GDP। सो वी डिस्कस अबाउट द GDP एंड इट्स साइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट सेक्टर्स एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द GDP ऑफ दिस कंट्रीज। In China, due to topographic and climatic conditions, the area suitable for cultivation is relatively small, only about 10% of its total land area. अब देखिए जो topographic होता है, topographic हम लोग बोलते हैं जो आपको जो physical जो structure होता है land का, जो ज़मीन का, जैसे कि mountains आपको, उसके बाद water हो गया, जो terrains है, तो ये सब आपको आ जाएगा टोपोग्राफिक में, टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर में ये सब आपको आ जाएगा। तो वहाँ पे जो है डिजर्ट्स जो है, माउंटेन्स जो है, स्नोज जो है, ये सब वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा है, एंड ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया इज यूज फॉर कल्टीवेशन। केवल जो लैंड एरिया, जो टोटल लैंड एरिया है, आपको मालूम है कि चाइना जो है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, लेकिन वो सभी लैंड में से केवल 10% ही खेती के लायक है, केवल 10% ही आपको कल्टीवेशन के लायक है, एग्रीकल्चर के लायक है। द टोटल कल्टीवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर द 40% ऑफ द कल्टीवेबल एरिया इन इंडिया। आप अंदाज लगा लीजिए कि इंडिया में जितना आपको एरिया कल्टीवेशन में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, उसका केवल 40% ही चाइना यूज करता है, यानी कि कल्टीवेबल एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में इंडिया जो है चाइना से काफ़ी आगे है। तो ये मत सोचिए कि चाइना यदि बड़ा है तो इसका मतलब ज़्यादा उसके पास में एरिया है खेती लायक, एग्रीकल्चर लायक, ऐसा नहीं है। अंटिल द 1980s, मोर देन 80% ऑफ पीपल इन चाइना वेयर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एज देयर सोल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। नाउ 1980s तक जो है 80% ऑफ चाइनीज पीपल जो है आपको लाइवलीहुड जो है फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट था, जबकि फार्मिंग का लैंड उसके पास ज़्यादा नहीं था, फिर भी उसके ऊपर में डिपेंडेंट था। ये तो बहुत ही उसके लिए जो है आपको एक निगेटिव पॉइंट था।
तो क्या किया गया 1980s के बाद, सिंस देन द गवर्नमेंट इनकरेज पीपल टू लीव देयर फील्ड्स एंड परस्यू अदर एक्टिविटीज सच एज हैंडीक्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। और इसीलिए 1980 के बाद जो है आपको चाइना जो है फोकस किया कि ये जो आपको जो लैंड्स पे, जो फार्मिंग पे जो आपको एक्स्ट्रा जो लेबर्स है उसको शिफ्ट किया जाए आपको दूसरा एक्टिविटीज़ में, या तो हैंडीक्राफ्ट्स या कॉमर्स या ट्रांसपोर्ट्स, दूसरा एक्टिविटीज़ में, और वो जो है आपको शिफ्ट उसको करने में कामयाब रहा है, उसको शिफ्ट किया वहाँ से। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे जो है आपको ये मैप के द्वारा आप दिखाना चाहते हैं, आप देख लीजिए ये जो ग्रीन कलर का आपको देख रहे हैं ये आपको कल्टीवेबल एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन भी है, और यहाँ पे आप बाकी जो है वो आपको कल्टीवेबल एरिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है कम है। यहाँ पे देखिए ये जो है टेरेंस जो है आपको जो माउंटेन्स, चूँकि माउंटेन्स पर ये लोग जो है खेती करता है, माउंटेन जो एरिया है वहाँ पे भी जो लोग इस तरह से आपको टेरेसेस बना करके जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन चाइना। सो वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट द GDP and we started to discuss the sectoral contribution to the GDP of these countries. So I hope that you have understood all this that we discussed today. Rest of the things we'll discuss the next class, and this is all about today's class. Thank you.